यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान एक के बाद एक आरोपों के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। कभी उन पर भैंस चोरी करने का आरोप लगता है, कभी किताबें चुराने का, तो कभी जमीन हड़पने का। अब तो इस लिस्ट में एक और चोरी शामिल हो गई है, बिजली चोरी। भूमाफिया विवादे आजम पर अब बिजली चोरी का भी आरोप लग चुका है। रामपुर में आजम के रिसॉर्ट हम सफर पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की तो वहां भी बिजली चोरी की बातें सामने आई। बिजली चोरी का तो इन्होंने केबिल एक डाल रखा था, वहां से प्रॉपर कनेक्शन नहीं है इनका, और जो ये जितना लोड इनका है उस हिसाब से इनकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस हिसाब से फिर एसडीओ साहब आए थे बिजली वाले, इन्होंने अपना उसमें अवैध पाया है उस तरह की बिजली की चोरी हो रही यहाँ पे, तो उसके संबंध में ये अपना एफआईआर पंजीकृत कर। हम सफर रिसॉर्ट में पानी के कनेक्शन और ट्यूबवेल के पानी को लेकर अधिकारी दरअसल जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ तो मामला पानी चोरी का नहीं बिजली चोरी का निकला। हम सफर के संबंध में ये शिकायत हुई थी कि यहाँ पर जो पानी की टंकी है उसका अवैध ढंग से पूरा पानी सप्लाई इनके यहाँ हो रहा है हम सफर में, तो उसी की जांच के लिए हम लोग जल निगम के एक्सीएन साहब को लेकर हम आए थे, तो उन्होंने इसकी जांच की है। अब इसका ये देखना है कि इस पानी की कनेक्टिविटी वैध है या अवैध है, ये अभी नगर पालिका से दिखवाने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। दूसरी बात थी यहाँ नल, उसका नलकूप विभाग का ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो उस ट्यूबवेल को लगाया गया है किसानों की सिंचाई के लिए, तो उसको ये देखना था कि उसमें किसानों की सिंचाई उससे हो रही है या वो केवल हम सफर रिसॉर्ट में ही उसका पानी सप्लाई हो रहा है। तो अभी तो प्रथम दृष्टया जो है, जो अगल बगल किसानों से पूछा गया और चीज़ें, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमको यहाँ से पानी नहीं मिलता है, तो इनके सारे रिकॉर्ड मंगाए गए हैं, अब उस रिकॉर्ड की जाँच के बाद ये क्लियर हो जाएगा इनका पानी काश्तकारों को जाता था या खाली इसी हम सफर रिसॉर्ट घर में जाता था। अधिकारियों के मुताबिक रिसॉर्ट के लिए बिजली की जितनी जरूरत है उस हिसाब से कनेक्शन लिए ही नहीं गए, इसलिए बिजली विभाग ने आजम के हमसफर रिसॉर्ट की पत्ती ही गुल कर डाली। इससे पहले रिसॉर्ट की अवैध बाउंड्री को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बताया गया कि आजम ने रिसॉर्ट के लिए सिंचाई विभाग की 1000 मीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया था। गुरुवार को ही आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा था। 80 में से 5 मामलों के लिए दी गई अग्रिम जमानत अर्जी को रामपुर जिला जज ने खारिज कर दिया है। R9 TV के लिए अनु सिंह की रिपोर्ट।